अच्छा, इस वक्त हम आ चुके हैं मूर्ति वाली डेयरी की तरफ, क्योंकि यहाँ अभी एक वाकया पेश आया है। रातों रात किसी ने बाबा शाह कबीर की कब्र खोद के बीच में से सोना निकालने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में नाकाम कोशिश थी। तो बहरहाल हम इस तरफ आए हैं क्योंकि इस डेयरी के बारे में भी थोड़ा सा मशहूर है कि यहाँ पर भी बड़ा सोना दफन है और लोगों को कम ही पता है इस जगह का। तो हम उस जगह को भी देखने आए हैं कि शायद यहाँ पे भी किसी ने कोई गड़ा वगैरह तो नहीं खोदा हुआ। तो आए जाके देखते हैं ज़रा कि इधर के क्या हालात हैं। तो हम मूर्ति वाली डेयरी की तरफ जा रहे हैं। अब शायद यहाँ पे भी कुछ इस तरह के निशानात मिल जाएं, कोई एक्टिविटी इस तरह की परफॉर्म हुई हो, तो चेक करते हैं। वैसे तो यहाँ पे कम ही लोग इस तरफ आते हैं क्योंकि ये बड़ी एक पोशीदा सी जगह है, बहरहाल मिस्टीरियस सी प्लेस है और दिखने में भी खौफनाक जगह है। इसी मौसम में यहाँ पे थोड़ा रास्ता वाजिया हो जाता है, अदरवाइज़ तो यहाँ पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये कीकर इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कि रास्ता ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है। शायद कुछ यहाँ पे पुराने हालात तो ऐसे लग रहे हैं, निशानात पहले खुदाई हो चुकी है लेकिन कुछ ताज़ा खुदाई अगर मिल जाए मैं तो इसको भी रिपोर्ट करेंगे। मेरे ख़्याल में यहाँ पे वो लोग नहीं आए क्योंकि ये बड़ी सख्त ज़मीन है इसकी और यहाँ पे खुदाई करना भी बहुत मुश्किल काम है। अलबत्त जो नीचे कवर खोदी गई है उसकी मिट्टी वाज़ह तौर पे नज़र आ रही थी, बड़ी नरम थी। यहाँ पे शायद किसी जानवर ने इसको खोदा है, ये हमें आगे देखते हैं शायद किसी और जगह पे कुछ कोशिश की गई हो। इधर न्यू साइड पे जाए, उस साइड पीछे एक जगह है उधर उस साइड पे। मौका पे पुलिस वाले भी थे और वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और अहले इलाका का मौकफ भी ले रहे थे इस बारे में। बता ये 100% है जो पहले हमने बयान किया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़जाने की तलाश में ये एक्टिविटी की गई है जो कि काबिले मज़म्मत है। साइड पे एक जगह है उसको देखते हैं। ये मुमकिन जगह हो सकती थी और यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत खुदाई नज़र तो आ रही है,
लेकिन कोई इतनी गहरा कोई गड़ा नहीं है। बैठ चल रहे हैं।